नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़, मैं आपके साथ सन्नी सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं गुड़ियारी में, रायपुर में। बागेश्वर धाम जी का कथा कल से स्टार्ट है और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उनके भक्त कितने चाहने वाले हैं। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि आप इधर दिखाइए, एक बार आप लोग हाथ हिलाइएगा कितने उनके चाहने वाले हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों काफ़ी उत्साह में हैं। इधर आप लोग दिखाइएगा कि बहुत उनको चाहने वाले हैं। एक बार जय श्री राम का नारा, और ये देखिए बहुत उनके चाहने वाले हैं, लाखों की लाखों संख्या में इधर है। और बहुत बड़ी बात है कि बागेश्वर धाम सरकार जी को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा और बताना चाहता हूं। आज सबसे पहले मेरे न्यूज़ में आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपका नाम क्या हुआ? पवन मिश्रा। दुर्ग से आए हैं? दुर्ग से आया हूं मैं। दुर्ग से आए हैं तो कितने दिन से, आज आए हैं या आप कल? आज पहली बार आया हूं मैं। क्या मन में, आप क्या मन में लेके आए बागेश्वर धाम को लेकर, क्या मन में आए? प्रभु जी की आशीर्वाद लेने और उनका दर्शन करने। हमारे साथ देखिए और लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। मेरे न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या मतलब बागेश्वर धाम का कथा सुनने के लिए कहाँ से आप आए? यूपी से। यूपी से इतने दूर से आए, आपके मन में बागेश्वर धाम को लेकर क्या है, आप क्या मतलब अपने मन में लेकर आए? बस महाराज जी का दर्शन हो जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए। पूरे परिवार के साथ आए? मेरे सिस्टर है, मैं हूँ, मेरी बेटी। देखिए बागेश्वर धाम को देखने के लिए यूपी से इतने दूर से आए हैं, और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको आगे दिखाने का प्रयास करता हूँ कि कितने लोग चाहने वाले हैं और उनको देखने के लिए। और यहाँ पे उनके कुछ कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। सबसे पहले हमारे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार सिंह आरंग लखौली से आया हूँ सर, सेवा देने के लिए। सेवा देने के लिए जी। आप कल भी सेवा में थे और कल भी से? ये कितनों दिनों तक लगातार ये चल रही है सेवा? मैं लगातार 17 से 25 तक सेवा दूंगा। 17 से 25 तक जी। और जैसा कि मैंने सुना था कि दो दिन के लिए इनका दिव्य दरबार लगने वाला 20 है, 20 और 21 को लगेगा। 20 और 21 को तो जितने भी भक्त उनके हैं जो कि दिव्य दरबार में शामिल होने चाहते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, तो आप लोग भी आइए और थोड़ा सा इस चीज़ को आगे बढ़ाइएगा। मैं सब बात करना चाहूँगा, हमारे साथ कुछ लोग और हैं जो कि बागेश्वर धाम को चाहने वाले हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। जय जय श्री राम। कहाँ से आप हैं? मैं पचमढ़ी इलाका है, लक्ष्मी नगर, रायपुर। रायपुर से जी। बागेश्वर धाम को लेकर आपके मन में क्या है? क्या बहुत श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है बागेश्वर धाम के लिए। मैं मन से मानती बागेश्वर धाम। आप लोग हाथ हिला के जय श्री राम। बागेश्वर धाम को चाहने वाले बहुत लोग हैं और देखने वाले। सबसे बड़ी बात ये है कि बागेश्वर धाम को और उनके कार्यकर्ता जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, सबको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, सब लोग काम कर रहे हैं। जितने भी बाउंसर लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। और बागेश्वर धाम कुछ ही क्षणों में कथा स्टार्ट होने वाला है, तो मैं लाइव दर्शन आप लोग को दिखाऊँगा कि किस प्रकार से उनका कथा स्टार्ट होता है। और कुछ ही क्षणों में सबसे पहले बागेश्वर धाम जी आप लोग के बीच में कुछ ही क्षणों में आने वाले, और उनके जो कार्यकर्ता हैं मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। सबसे पहले हमारे साथ एक भाई है, मैं उनसे बातचीत करता हूं। हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। कितने दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है? यह कार्यक्रम की शुभारंभ तो कल से हुई है, परसों कलश यात्रा भी हुई थी, और उसके दौरान पे कार्यक्रम जो है एक महीने पहले से तैयारी चालू हो चुकी है, पंडाल की व्यवस्था। जैसा कि मैंने सुना है कि दो दिन के लिए इनका दिव्य दरबार लग रहा है जी। वो कितने कितने तारीख को लग रहा है भक्तों के कैमरा के माध्यम से आप बता दें। भैया दिव्य दरबार जो है वो 20 तारीख और 21 तारीख को लग रहा है, उसमें जो है दिव्य दरबार यहीं पर लगेगा, लोगों को और आना सबसे है। बड़ी बात मैंने यहाँ देखा कि प्रशासन के लोग बहुत सारे सुरक्षा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। आप प्रशासन के बारे में दो लाइन क्या कहना चाहते हैं? भैया प्रशासन के लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है इतनी अच्छी ड्यूटी दी है यहाँ पे, और उसके साथ साथ में इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद कि बहुत कोऑपरेटिव है, उनको जैसा बोलो वैसा जहाँ पे करो एकदम ज़्यादा कोऑपरेट है। और बाकी महाराज जी की महिमा है, महिमा बाकी बागेश्वर धाम श्री राम की महिमा है और उनके चाहने वाले। एक बार आप इधर कैमरा दिखाइएगा जो कि बागेश्वर धाम को चाहने वाले हैं। जय श्री राम का बहुत ही बड़े भक्त है, सब लोग आए हुए हैं। और हमारे साथ मैं आपको आगे ले चलता हूँ मंच की ओर, जहाँ की बागेश्वर धाम सरकार कुछ ही क्षणों में आप सबके बीच में आएंगे। और इस लाइव के माध्यम में मैं आप लोग को दिखाने प्रयास करता हूँ कितने लोग बैठे हुए हैं। आप लोग कैमरा मैन से मैं प्रयास करूँगा कि इधर आप लोग दिखाइए कि बागेश्वर धाम सरकार को लेकर कितने लोग बैठे हुए, लोगों के मन में उमंग है और भीड़ है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं, मैं उनके साथ बातचीत करूंगा। एक बार आप इधर बागेश्वर धाम के जो कितने
में लोग बैठे हुए हैं, उनको आप एक बार दिखाइएगा कितने चाहने वाले लोग हैं। एक बार आप लोग हाथ हिलाइएगा, जय जय श्री राम के नारा लेकर इधर देखिए। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। सबसे पहले हमारे न्यूज में आपका स्वागत है जी। थैंक यू, धन्यवाद। कितने दिनों से कार्यक्रम चल रही है? कार्यक्रम कल चालू हुआ है, दोपहर 1 बजे से शाम को 4 बजे तक चलता है। 4 बजे जी। और ये कितने तारीख तक चलेगी? ये तारीख 23 तारीख तक चलेगा। जैसा कि मैं सुना हूँ कि दीप के दरबार लगने वाला है। दो दिन दरबार लगेगा। क्या डेट क्या है दर्शकों को आप लाइव? 20 तारीख और 21 तारीख को दरबार लगेगा, सुबह 9 से 11 बजे तक। 9 से 11। जैसे कि मैं, आपका शुभ नाम? जी कैलाश नगरी है। कैलाश नगरी, सबसे बड़ी बात है, अब मैं दृश्य दिखाना चाहता हूँ, कितना सुंदर दृश्य बना हुआ है बागेश्वर धाम जी को लेकर। कुछ ही क्षणों में महाराज जी हमारे बीच आने वाले हैं। और सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ शासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने भारी संख्या में यहाँ पुलिस तैनात किए हुए हैं और कड़ी सुरक्षा के साथ मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे सर जी हैं, मैं उनसे कुछ चाहता हूँ। सबसे पहले सर, हमारे न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैंने 2 दिन से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और 2 दिन से देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो कड़ी सुरक्षा दी गई है, इसके लिए सर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हर सुरक्षा दी गई है पूरे चारों साइड में। और बागेश्वर धाम में सबसे बड़ी बात है कि इनके दरबार में काम करने का और भजन सुनने का मौका सबको बार बार नहीं मिलता है। आप इनके सामने हैं, बालाजी के सामने हैं, आपको क्या कैसा मतलब आपको? हमारे पूर्वज में पुण्य क्या होता, हमारी ड्यूटी अलग ही। बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इधर हमारे साथ कुछ बैठे हुए, एक बार आप लोग जय श्री राम, जय श्री राम। लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ, एक सर जी है, मैं उनसे कुछ बातचीत करता हूँ। सबसे पहले हमारे न्यूज में आपका स्वागत है। आज जो बागेश्वर धाम का जो कार्यक्रम चला, कितने दिनों से ये कार्यक्रम चल रहे हैं? 17 तारीख से 23 तारीख तक चल रहा है। हमारे न्यूज में आपका स्वागत है। अब पूरे परिवार के साथ, पूरे फैमिली के साथ आप लोग यहाँ देखने के लिए? सबसे पहले जय श्री राम का नारा, जय जय श्री राम। यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं और हमारे साथ, इधर में कैमरा मैन से दिखाना चाहूंगा कि संत लोग बैठे हुए। सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम है। और बागेश्वर धाम को देखने के लिए इतने दूर से ये लोग आए हुए, सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले मैं अपने न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ बागेश्वर धाम जी को इतने नजदीक से देखने के लिए, उनके मन में क्या आपके लिए लगता है? जो कि हमारे मन में है कि जो भगवान जी बागेश्वर धाम वाली सरकार है, जो सनातन धर्म के लिए बहुत बढ़िया आदमी है, जो पंडितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए बहुत बढ़िया बात करते हैं और जो बोलते हैं वो खुला बोलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बागेश्वर धाम जी जहाँ भी गए, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में उनके भीड़ लगी है, तो उनके चाहने वालों के लिए और उनको दिल से मानने वालों के लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके मानने दिल की संख्या कि भगवान के प्रति उनकी जो श्रद्धा रहती है वो अधिक से अधिक बढ़ती रहे। भगवान राम जी हैं, हनुमान जी के प्रति उनके लोगों की श्रद्धा बढ़ती है और धीरे धीरे उनके जो भक्तगण है वो बढ़ते जा रहे हैं दिनों दिन लाखों की संख्या। एक बार आप लोग जितने बैठे हुए, एक बार दोनों हाथ उठा के जय श्री राम का नारा एक बार लगे, जय श्री राम। इधर भी हमारे साथ कुछ बैठे, एक बार जय जय श्री राम का नारा एक बार आप लोग लगाइएगा, दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार। उनके चाहने वाले बहुत लोग हैं जैसा कि मैं बताया हूँ। और कुछ ही क्षणों में मैं इधर दिखाना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी दृश्य है। बस कुछ ही क्षणों में बागेश्वर धाम जी आने वाले हैं और कथा सुनने के लिए लोगों की लाखों संख्या में भीड़ लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बागेश्वर धाम को चाहने, कैमरामैन से दिखाइएगा कि उनको चाहने वाले, और कुछ ही क्षणों में बागेश्वर धाम जी आएंगे। और इधर हमारे साथ भी कुछ बैठे हुए हैं, मैं उनसे कुछ बातचीत करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और हमारे साथ कुछ सर भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। और बागेश्वर धाम सरकार जी को चाहने वाले बहुत लोग हैं। सबसे पहले हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। सबसे पहले सर, हमारे न्यूज में आपका स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए हैं बागेश्वर धाम जी का कथा सुनने के लिए, किस तरह का, कैसा महसूस आपको हो रहा है? देखिए, राम जी की कथा और वह भी परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के श्रीमुख से जी, निश्चित रूप से ये देश राम का है, ये परिवेश राम का है। भारत धार्मिक
अध्यात्म का ये देश है जी, तो निश्चित रूप से राम जी की कथा। और इतने छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इतने कड़ी सुरक्षा में ये कार्य हुआ, तो प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज छत्तीसगढ़ जिस दिशा में जा रहा है, आज देश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चौपट है, और ये धार्मिक मंच है, धर्म भीरु लोग हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, ये अनुशासित लोग हैं, धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो ये अपना अनुशासन बना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। और मैं इधर कैमरामैन से दिखाना चाहता हूँ कि कितने लोग चाहने वाले हैं उनको, जो कि वीरेंद्र से एक बार आप लोग जय श्री राम, हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के एक बार जय श्री राम, पीछे से हाथ उठा के जय श्री राम का नारा लगा। और मैं इधर आने का प्रयास करता हूँ कि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, मैं बात करूँगा उनसे, बात करने का जानने का प्रयास करता हूँ कि दोनों, अरे की जय, इधर दिखाइएगा आप लोग, उनके चाहने वाले बहुत लोग आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं, कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ और महिला सरकार से भी बात करने का प्रयास करता हूँ। कितने दूर दूर से लोग आए, मैं बात करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हमारे न्यूज में आपका स्वागत है, थैंक यू। कहाँ से आप आए बागेश्वर धाम का कथा सुनने के लिए? हम पुड़िहारी से हैं, यही लोकल है, यहाँ पंडाल की आवाज हमारे घर तक जाती है। कितने दिनों से आप कथा सुन रहे हैं? काम कल से चालू हुआ है। कितने दिनों तक? एक बार दोनों हाथ उठा के जय श्री राम का नारा लगाइएगा। बहुत ही प्यारा दरबार उनका है, जो कि बागेश्वर धाम सरकार जी का नारा लगा है, और बहुत खुशी की बात है कि इधर लोग उनको चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। एक बार हाथ लगा के जयकारा लगाइएगा। हमारे साथ बहुत लोग हैं, मैं इधर दिखाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मेरे न्यूज में आपका स्वागत है, हम सरकार को देखने के लिए आए, कैसा आपके मन में? बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। इधर हमारे साथ जाने वाले हैं, मैं इनसे भी बातचीत करूंगा। सबसे पहले मेरे निधि में स्वागत है आपका। चलिए फिर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, एक बार इधर दिखाइएगा आप लोग, इधर बालाजी सरकार से, जो बालाजी सरकार की जय। बहुत अच्छी बात है, कुछ ही क्षणों में बागेश्वर धाम आने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और बहुत ही सुंदर दृश्य है, दृश्य देखने के बाद बालाजी सरकार का, बहुत लोग आए हुए, दूर दूर से लोग आए हुए, बहुत अच्छी बात है। और मैं सबसे पहले सभी को प्रणाम, इधर के अंदर दिखाना चाहूँगा आप लोग, इधर हमारे साथ जो बैठे हुए हमारे मुख्य अतिथि भी भैया लोग, इधर प्रशासनिक लोग में बैठे हुए, सबसे बड़ी बात है कड़ी सुरक्षा के साथ। मैं संदीप सिंह लाइव आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ रायपुर गुड़ियारी से, और कुछ ही क्षणों में बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पे आने वाले हैं, और लाइव के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। इधर दिखाइएगा, हमारे कार्यकर्ता के कुछ भाई लोग हैं लाइव के माध्यम से। इधर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं देखने का प्रयास करता हूँ, और सबसे पहले हमारे न्यूज में आपका स्वागत है। और कुछ लोग हैं चाहने वाले हैं हमारे साथ, प्यारे छोटे बच्चे। सबसे पहले मेरे न्यूज में आपका स्वागत है, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं हम देखने के लिए आप अपने घर आए हैं, कैसा आपके मन में लग रहा है? बागेश्वर धाम महाराज सरकार वाले यहाँ पर गुड़ियारी पे आए, हमारे को बहुत बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा मतलब गुड़ियारी पावन पर हो गया है, बहुत ही अच्छा। पहले भी प्रति और सौभाग्य प्राप्त होता है कि बागेश्वर धाम जी आपके घर में। जी 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 जी, यहाँ इनका पूरा मतलब कथा जो है हमको इतना सौभाग्य। जय श्री राम का नारा, जय श्री राम। इतने लोग इधर है, सब लोग बैठे हुए बागेश्वर धाम का, पूरे में कैमरा मैन से चाहूंगा कि आप इधर दिखाइएगा, और बहुत ही प्यारा लोग है, आप इधर आ जाइए, इधर दृश्य दिखाइएगा कि कितने सुंदर दृश्य के साथ उनका कार्यक्रम का आनंद लिया जा रहा है। बागेश्वर धाम के साथ लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं सनी कुमार, कैमरा मैन दिलखुद के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।